बिना धन के तो कोई भी कार्य संपन्न ही नहीं होता है, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या कोई भी हो, सब में धन की आवश्यकता आती पड़ती है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ से जो धन प्राप्त होता है वो घर में पूजन करके रखने से वर्ष भर जीवन पर्यंत एवं जन्म जन्मांतर तक उस जीव को किसी भी प्रकार का अन्न का धन का किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इसीलिए लोग यहाँ के खजाना यानी कि पैसे को ले जाके अपने घर में दुकान में व्यवसाय में घर में रखते हैं। गुरुजी, वो कौन सी गाथा है जिसमें मान पूर्णा को यहाँ पे वरदान दिया था बाबा विश्वनाथ को कि यहाँ कोई भूखे नहीं रहेगा, क्या वो कहानी है, क्या गाथा है? खुद विश्वेश्वर महादेव जो भिक्षा मांगी थी वरदान मिला था, क्या मान्यता है? सारे संसार को भरण पोषण करने के लिए बाबा ने अपने लिए स्वयं के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए, सारे संसार के भरण पोषण के लिए माता भगवती से भिक्षा मांगी है और इसी दरबार में माँ भगवती से भिक्षा मांगी है। आमतौर पर वो पार्वती हैं लेकिन काशी में वो अन्नपूर्णा के रूप में माता के रूप में विराजमान है, इसलिए माता के समक्ष भिक्षा कर बाबा सारे संसार का भला करते हैं। गुरुजी, 3 दिनों का जो ये स्वर्णमय दर्शन होता है, ये लोकाचार कुलाचार देशाचार के अंतर्गत हमारे पूर्वजों की जो परंपरा है उसका हम 4 दिवसीय इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। लगभग कितने रुपए इसमें जो बढ़ जाते हैं, लगभग कुछ कुछ आकलन होगा या कुछ? ये ऐसा नहीं, लाखों की संख्या में भक्त यहाँ से खजाने को प्राप्त करते हैं, खजाने की कोई गिनती नहीं होती है। वर्ष भर सबसे कम चलन में मुद्रा को एकत्रित करके तथा कम पड़े तो और कहीं से भी व्यवस्था करके आम भक्तों में वितरण किया जाता है, जो कि लाखों में होती है।